हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे पास एक सैमसंग का M21 हैंडसेट है और अभी ये डेड कंडीशन में है। वाटर लॉग है यानी वाटर डैमेज है। पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करके बताएंगे, आप देखिए वीडियो पूरा एंड तक। और इसमें जो प्रॉब्लम हमको मिली, इसमें क्लॉक जनरेशन एक आईसी होती है, क्लॉक जनरेटर, तो उस आईसी में पानी जा चुका था, तो हमने उसको कैसे बाईपास किया है देखिए इसमें पूरा चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आपको डीसी में स्विचिंग बता देते हैं कि डीसी में क्या स्विचिंग ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है, लो बूटिंग ले रहा है कि हाई बूटिंग ले रहा है, तो अच्छे से देखिए, हो सकता है आपको इसमें कुछ सीखने मिल जाए। हालांकि बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बट अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको भी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बूटिंग ले रहा है ऑटो, देख सकते हैं लो लीकेज में है, 0.023, मतलब बहुत लो लीकेज में है। तो ऐसे कंडीशन में कहीं हीट भी नहीं होगा, कहीं गर्म भी नहीं होगा। ये अगर आप रोज़न वगैरह लगा के भी देखेंगे तो सबसे पहले करना है आपको आई स्कैनिंग। आई स्कैनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मल्टीमीटर से पहले, डीसी से पहले आपको एक बार आई स्कैनिंग करना है और देखना है किसी भी मोबाइल में कि वाटर डैमेज है या किसी और टेक्नीशियन ने काम किया। ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पानी लगा हुआ है और काफ़ी डैमेज हो चुका है वो काफ़ी जगह पर। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स भी काले हो जाते हैं या फंगस आ जाता है उसमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आई स्कैनिंग में हमको पता चल रहा है कि इस साइड में भी पानी गया है पूरा, तो अच्छे से देख सकते हैं सेम ट्रे के नीचे। और बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी वाटर डैमेज लग रहा है और थोड़ा देखते हैं कहाँ पे है। तो क्लीन करने से पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ पर पानी गया है। जहाँ जहाँ भी पानी जाएगा उस एरिया को आपको क्लीन करना है। और अगर आईसी के नीचे चला जाता है तो आईसी खोल करके रिवॉल्व करके डालना है, और आईसी अगर डैमेज हो जाती है तो उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं, ये देख सकते हैं स्टेप्स है। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन सॉल्यूशन बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस के वीडियो, एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, देखिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर भी थोड़ा सा काला हो चुका है, कैपेसिटर के ऊपर से कवर निकल रहा है, कैपेसिटर डैमेज हो चुका है। तो मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको जी आर वैल्यू बताने की कोशिश करता हूँ। कैपेसिटर चेक करने पर ये देख सकते हैं इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है और टूट गया है ऊपर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ उस पर से कवर निकल रहा है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले रिमूव करते हैं, और रिमूव करके फिर आगे देखते हैं। और ये लीकेज का कारण ये कैपेसिटर भी हो सकता है, या पानी जहाँ जहाँ गया उनमें से कोई एक पैरेलल कंपोनेंट या कोई आईसी भी डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को देखिए, थोड़ा सा कवर टूट गया ऊपर से, इसके अंदर का जो सेरेमिक वगैरह होते हैं नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप अच्छे से। बहुत बड़ा कैपेसिटर है ये, थोड़ा साइज़ में बड़ा वाला है। तो पानी जाने के कारण शॉर्टिंग आ जाती है, कंपोनेंट लीकेज हो जाते हैं। तो इसको हमने निकाल लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। यहाँ पर भी पानी जाकर काला जैसा हो चुका है। तो ये LDO को भी हम थोड़ा सा फ्लक्स डाल देते हैं, और इसको भी थोड़ा निकाल कर लगाते हैं, या तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे भी एक कैप है जो कि काला जला हुआ लग रहा है। ध्यान से काम करना है आपको। तो ये कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर और एक LDO हमने निकाल दिया है। पानी यहाँ पे जा चुका है, तो हो सकता है LDO भी लीकेज में कंडीशन में जा चुका हो या शॉर्ट हो चुका हो। तो जहाँ जहाँ वाटर लॉग है वहाँ पे आपको साफ़ करना है, क्लीन करना है, उसको निकाल के वापस से लगाना है या रिप्लेस करना है। तो अभी हमने निकाल कर देखा है इसके नीचे, ये देख सकते हैं आप, LDO को निकाल कर बाजू रख लिए हैं। चेक कर लेंगे कि पानी नीचे जाकर कोई ट्रैक व्रैक तो मिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये भी ख़राब हो सकता है, रिप्लेस भी कर सकते हैं आप, या वापस से लगा कर भी चेक कर सकते हैं। जैसा अगर आपके इन कोई और हो दूसरा वाला तो चेंज करिए। जितना हो सके उतना वाटर लॉक कंडीशन में रिवॉल्विंग से ज़्यादा अगर वन शॉट में आपको काम करना है तो उसको रिप्लेस करना होगा। तो चलिए यहाँ पे ये नीचे उतना ज़्यादा डैमेज नहीं लगा हमको, तो वापस ये वाले LDO को हम लगा देते हैं जैसा था वैसा। नोज कट पॉइंट देखकर आपको लगाना है। तो LDO वापस लगा दिए, देख सकते हैं।
शॉर्टिंग हो या फिर वाटर डैमेज हो, अच्छे से चेक करना है आपको। एक एक कंपोनेंट चेक करना है, एक एक सेक्शन को देखना है, आई स्कैनिंग करके सारी चीज़ देखोगे तो ज़रूर आपको शॉर्टिंग वगैरह मिल जाएगी। क्लीन हमने अच्छे से कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। एक और कैप थोड़ा सा जला हुआ लग रहा है, इसको भी निकाल देते हैं। तो आंख, ये पैरेलल कंपोनेंट जो होते हैं उसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोफराड वाले जिसको आपको नहीं निकालना चाहिए। कहीं पे अगर ज़्यादा वोल्टेज की लाइन है, 35 वोल्ट 30 वोल्ट के भी कैपेसिटर मिलते हैं, वहाँ पर आपको लगाना होता है। बाकी अदरवाइज़ कहीं पर फिल्ट्रेशन के लिए लगकर है तो उसको आप निकाल सकते हैं। सब माइक्रोफराड, नैनो फराड या पिको फराड के कैपेसिटर्स आते हैं, तो इसमें आपको नॉलेज होगी तो आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो कैपेसिटर हमने निकाला है। तो यहाँ पे लीकेज तो नहीं है कैपेसिटर, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं सिम ट्रे कैसी हो चुकी है पानी जा करके, उसके नीचे का शील्ड भी थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, पानी इसके नीचे भी गया हो सकता है। तो शेड खोल कर भी आपको देखना होगा अगर पानी गया हो नीचे तो। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़। थोड़ा क्रॉस करके देखते हैं पानी अंदर गया क्या। तो ये एक छोटी सी आईसी लग रही है यहाँ पे, क्लॉक जनरेटर, इसके नीचे पानी गया ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं इसमें पानी गया ऐसा लग रहा है। 8 बॉल की एक आईसी है, क्लॉक जनरेटर आईसी, जहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। 26 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है आरएफ को जाती है, वाईफाई को यहीं से जाती है, सीपीयू के लिए यहाँ से फ्रिक्वेंसी जाती है। अगर ये आईसी में पानी चला जाए और ये आईसी शॉर्ट हो जाए इंटरनली, तो ये क्लॉक पल्स नहीं बनाएगी, हमारे क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं बनाएगी, तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। क्योंकि सीपीयू एक्टिवेट होने के लिए उसको क्लॉक के पल्स होने, क्लॉक की फ्रिक्वेंसी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आईसी को निकाल देते हैं और निकाल कर इस आईसी को चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसको ना लगा कर इसको बाईपास कर सकते हैं। आप बस एक जंपर आपको लगाना है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं नीचे पानी जाने के कारण थोड़ा सा फंगस जमा हो जाता है, तो ये ऐसी काम नहीं करती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लक्स लगाकर नीचे पैड्स को क्लीन कर लेंगे। पैड्स को क्लीन करने के बाद हम इसको बाईपास कर देंगे, डिसोल्डरिंग वायर से थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। उससे पहले थोड़ा हमारा वाला जो रंगा होता है उसको आयरन में लगा करके ये कंपनी के रंगे के साथ मिक्स कर देंगे ओरिजिनल, और नरम कर देंगे बॉल्स को सारे, देख सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप हमने सारा प्रोसेस बताया है आपको। आई स्कैनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स, अच्छे से अगर आप देखेंगे एक एक चीज़ को बारीकी से तो ज़रूर आप फॉल्ट तक ज़रूर पहुंच जाओगे। फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम लगता है। आप इमिडिएटली करेंगे, अर्जेंट करेंगे तो उसमें काम नहीं होगा, आपका बनने वाला काम भी ख़राब हो सकता है। आईसी के नीचे पानी जाने के कारण आईसी ख़राब हो चुकी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम इसको बाईपास करेंगे। अभी देख सकते हैं नीचे हमने साफ़ कर लिया है, बॉल क्लीन हो गए हमारे। अब यहाँ से जो जंपर लगाना है एक बार देख लेते हैं, कुछ डैमेज तो नहीं है, ठीक है। नीचे पानी जाने के कारण फंगस वगैरह आ जाता है तो उसको आपको अच्छे से साफ़ करना है। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल वे में अगर काम सीखना चाहते हैं तो 27 मई से हमारा नेक्स्ट बैच है जिसका बुकिंग चल रहा है, आप बुकिंग करके अपनी सीट रिज़र्व करा सकते हैं। 27 मई से बैच है अभी नेक्स्ट, तो आ सकते हैं आप। काम अच्छे से करिए, काम 100% सक्सेस होगा आपका। हैंड स्किल प्लस सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, एक सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, एक आईसी की नॉलेज होनी चाहिए,
बाईपास क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैकेंसी कहाँ से इन हो के कहाँ से आउट हो रही है, सारी चीज़ आपको अगर पता होगी तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो डिसऑर्डर वायर से हम एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं आसपास के कंपोनेंट या रजिस्टर मिसिंग नहीं होने चाहिए, फिर एक प्रॉब्लम बढ़ जाएगा आपका। यहाँ सिर्फ आईसी को बाईपास करना है। नीचे क्लीन कर लिया है अभी हमने, देख सकते हैं आईसी के नीचे कैसा डैमेज हो चुकी है आईसी, पानी जाने के वाटर डैमेज होने के कारण। तो इसको हम अभी हटा देंगे, बाईपास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जम्पर लगाना है हमको, दो वालों को कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले साफ कर लेंगे। A1 और C2 के साथ हमको जम्पर लगाना है। यहाँ पे मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, A1 से C2 तक कनेक्ट करना है अपने को। सी A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम में भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो बाईपास करना है यहाँ पर C1 और A2 के साथ हमको जम्पर मिलाना है। A1 VBAT है हमारा और ये VLU की लाइन है जो पैरेलल में आपके कैपेसिटर लग के रहता है, ड्रेन कैप। ये क्रिस्टल का सप्लाई जो इन होगा C1 में, D1 D2 ग्राउंड है इसमें और C2 भी ग्राउंड है, B2 इनेबल लाइन है इस IC के लिए और आउटपुट जो है इसका A2। तो हमको जो मिलाना है C1 से A2 के अंदर जम्पर लगाना है। इससे पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया था आपको, तो C1 से A2 तक आपको जम्पर मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे जम्पर कर लेते हैं C1 से A2 तक, यानी ऊपर से दूसरी लाइन और नीचे से पहली लाइन में दूसरा वाला, दोनों में हम जम्पर कर देते हैं फटाफट। उसके बाद हम सेट को ऑन करके चेक करेंगे। तो जम्पर लगा लेंगे, बारीक सा वायर चाहिए ताकि किसी और के साथ वो कनेक्ट ना हो। तो आपको बाईपास करना है इस वाली फ्रिक्वेंसी को, बाईपास कर सकते हैं डायरेक्ट, CPU वाईफाई में चला जाएगी वो, इनपुट से आउटपुट को मिला देंगे। तो चलिए एक जम्पर लगा लिए हैं यहाँ पे। चलिए अब A2 में भी जम्पर लगा लेते हैं। C1 में लगाने के बाद थोड़ा घुमा लेते हैं ऐसा ताकि किसी और से कनेक्ट ना हो, किसी और से टच ना हो। और ध्यान से काम करना है आपको, UV ग्लू वगैरह भी लगा सकते हैं हम जम्पर लगाने के बाद, ताकि जम्पर निकले ना, अदरवाइज़ एक जम्पर टूटेगा तो आपका सेट फिर से डेड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको बाईपास कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी साल पहले हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, हैंडसेट क्या है, जब हाथ को लगता है तो प्रैक्टिकल करने में बहुत ही मज़ा आता है। थ्योरी तो हम समझा देते हैं, वो कॉपी हो जाती है मार्केट में। जिस तरीके से हम वीडियो डालते हैं, जब वीडियो डालते हैं उसके अगले 2-3 दिन बाद वही टॉपिक पे मार्केट में दूसरे इंस्टीट्यूट वाले भी वीडियो बना रहे हैं। कोई बात नहीं, तो ऐसे तो चलता रहेगा, लोग कॉपी करते रहेंगे। तो हमारा यह है फ्रेंड्स के आपको अच्छे से अच्छी चीज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा आपको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस हमने चैनल पर डाले हैं, एक बार जाकर देखिए।
और इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। चलिए एक बार पीसीबी में फिट कर लेते हैं और करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। डेड मोबाइल, शॉर्टिंग मोबाइल, वीपीएच, वीबैट और सेकेंडरी शॉर्टिंग, लो बूटिंग, हाई बूटिंग के काफ़ी सारे डेड मोबाइल्स के हमने वीडियो डाले हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप जाकर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देखिए। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, अच्छे से देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक बार ऑन कर लेते हैं और चेक करेंगे। अभी ऑन करने के बाद जंपर बरोबर लग जाए तो एक बार यूवी ग्लू वगैरह भी लगा दीजिए ताकि वो जंपर निकले नहीं। अगर आपके पास दूसरा बोर्ड है तो आईसी डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप बाईपास कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉल्ट था, वाटर डैमेज सेट था, जो कि क्लॉक जनरेटर आईसी के जो है अभी लेटेस्ट मॉडल्स में आ रही है 4G और 5G में, क्योंकि अभी जो क्रिस्टल है पावर के पास में ना आते हुए एक छोटी आईसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आईसी ऐसे मिलेंगे क्लॉक जनरेटर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट हमारा ऑन होते हैं, पहले यहाँ पे 20-22 पे जाके रुक रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैमसंग का लोगो आ चुका है M21। तो हमारा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स ऑन हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास अभी बैटरी जो है पूरी वाटर डैमेज के कारण पूरी लो हो चुकी है। तो हमने आपको यहाँ तक बताने की कोशिश की है कि हमारा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो अभी इसको हम रख देते हैं और इसको चार्जिंग कर देंगे। चार्जिंग होने के बाद ये सारा कुछ ऑन हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स लेकर आए हैं हमारे पास, जो लेकर आए हैं अभी ये स्टूडेंट अपने लाइव क्लास में लेकर आए हैं, उन्हीं के सेट्स है जो सामने आप देख रहे हैं। काफ़ी सारे 25-30 सेट हमारे पास रखे हैं जिसके वीडियोज़ हम बना रहे हैं आपको, और उन्हीं के मोबाइल्स लेकर के वीडियो आपको बना करके दे रहे हैं। और लाइव क्लास में भी काफ़ी सारे हैंडसेट रिपेयर होते हैं। अगर आप चाहें तो अपने साथ 15-20 हैंडसेट ला सकते हैं क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा फॉल्ट है जो वाटर डैमेज के अंदर अक्सर होता है, कैसा रिपेयर करना है एक वाटर डैमेज का होगा। तो अभी इसका इस टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रॉपर वे से काम कर सकते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा जो नॉलेज में ऐसे किधर किधर कुछ भी निकाल देते हैं, टीन हटा दे के चेकिंग करके जो है डैमेज करते हैं, हीट मारते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो सारा मोबाइल जो है मैं स्टूडेंट बहुत सारे फ़ोन लाते हैं तो उनके मोबाइल देखे तो यह समझ में आ जाता है पूरा जो है हीट मारा हुआ है कंपोनेंट्स पूरा। देखो इधर जो दिख रहा है मोबाइल, सारा स्टूडेंट लाते हैं इस मोबाइल। तो देखो इसके अंदर देखो कैसा कंपोनेंट पूरा हिला हुआ करा हुआ दिख रहा है। तो प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं है तो आप आके जो है प्रॉपर कोर्स सीख लो और रिपेयर करो, मगर इस टाइप ऑफ डैमेजेस मत करो। तो अभी हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है May 27 को, चाहे तो आप बुक कर सकते हैं। आपको स्कीमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, लाइन चेकिंग, ट्रेसिंग के बारे में और अभी जो लेटेस्ट 5G सेक्शन के अंदर कैसा काम करना है ये सारा चीज़ आपको सिखाते हैं यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।